नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक नॉलेज में। तो आज हम शुरू करेंगे इंटरपोलेशन को देखेंगे। तो देखिए, इंटरपोलेशन का यूज़ हम स्टीम टेबल में ऐसे वैल्यू के लिए करते हैं जो वैल्यू स्टीम टेबल में नहीं दिया जाता, हम इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम एक TS प्लॉट बनाते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये हो गया एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरा 180 कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मान लीजिए हम 100 ले लिए, ठीक है ना। अब हम उसी तरह से हम ले ले 105 डिग्री यहाँ पर, तो कुछ से प्रेशर होगा आपका। तो देखिए 100 के लिए आपका होता है 0.10135 मेगा पास्कल। अगर मेगा पास्कल लिखे, अगर ATM लिखे तो 1 ATM, और मेगा पास्कल लिखे तो ये मेगा पास्कल। और यहाँ पर अगर सेचुरेशन टेम्परेचर आपका आपका 105 है तो आपका होता है 0.12082 मेगा पास्कल। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए स्टीम टेबल, देखिए स्टीम टेबल में देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 105 के लिए दिया गया है। कहीं आपको 101 के लिए, जब मेरा सेचुरेशन टेम्परेचर 101 रहेगा या 102, मान लीजिए 102 मैं ले लेता हूँ, यहाँ मान लीजिए 102 रहेगा, तब मेरा प्रेशर क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होगा, अगर आपको वो फाइंड करना। मान लीजिए 102 के लिए, 102 जब मेरा टेम्परेचर है तो क्या होगा कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन। तो इसके लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं दिया है स्टीम टेबल में। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं ये समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इंटरपोलेशन कोई भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं हम, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन लिए, तो देखिए इंटरपोलेशन निकालने क्या कहता है। तो देखिए 102 के नियरेस्ट वाले दो को वैल्यू को निकाल लीजिए। तो 102 के नियरेस्ट टेम्परेचर वैल्यू कौन कौन सा है, तो 102 के ऊपर 100 दिया हुआ है और 102 के नीचे 105 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 पे प्रेशर क्या है, मान लीजिए 100 पे प्रेशर P1 है, 105 पे प्रेशर P2 है, तो यहाँ पर आप प्रेशर निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर X है, तो देखिए इसको मान लीजिए ये प्रेशर हो गया, ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर आप निकालें, यहाँ पर आपका 100, यहाँ पर आप 3 ले लीजिए लाइन, ये आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 102 और ये रख लीजिए 105। उसी तरह से 100 के लिए प्रेशर क्या है पहले लिख लीजिए, 100 के लिए प्रेशर क्या है, देखिए 0.01035 है। उसी तरह से 105 के लिए प्रेशर लिख लीजिए, 105 के लिए प्रेशर क्या है, तो 105 के लिए प्रेशर है आपका 0.12082 है, ठीक है। अब 102 के लिए आपको प्रेशर निकालना है, तो मान लीजिए इसको y मान लिए, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा इसको इंटरपोलेशन, क्योंकि इंटरपोलेशन एग्जाम में बहुत सारा करना पड़ सकता है, इसे सबसे शॉर्टकट मेथड है। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, इस वाले वैल्यू मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे यहाँ और यहाँ 3 वैल्यू है, यहाँ भी 3 वैल्यू है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे। तो देखिए इस वाले वैल्यू से इसको माइनस करेंगे पहले, तो 0.12082 माइनस 0.10135, इससे इसको माइनस किए, फिर ये y माइनस ये डिवाइडेड में लिखते हैं y माइनस 0.10135, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए आपने y एक्सिस में इससे इसको माइनस किया, ये ऊपर वाले वैल्यू से सबसे नीचे वाले को, तो इसमें भी आपको 105 से 100 को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा 105 माइनस 100। देखिए दूसरे में आप क्या किए थे, y माइनस ये वाला लेंथ निकाले थे, तो इसमें भी आपको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, तो 102 माइनस 100। अब इसको आप y को फाइंड कर लीजिएगा, तो y आपका क्या देगा, प्रेशर देगा कॉरस्पॉन्डिंग 102 के, 102 जब आपका सेचुरेशन टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा। तो y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही यूज़ करते हैं हम इंटरपोलेशन के हेल्प से। इंटरपोलेशन का मतलब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यही आपको पूछ देता है, यहाँ पर टेम्परेचर 3 दिया हुआ है और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था आपको 102 पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम VF का वैल्यू, तो आप 100 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लीजिए, 105 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लीजिए और 102 पे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं, और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और अगले दिन से हम लोग वेपर पावर साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।